हे गाइस, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। माय नेम इज रजनी। तो आज हम अगेन ईडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईडियम्स कर रहे हैं, तो बिफोर वी कमेंस विद द फर्स्ट ईडियम ऑफ द डे, तो लेट्स लर्न समथिंग अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म कि ये क्या है, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं, लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है टू ऑल द कोर्सेज, यू विल गेट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं, यू विल गेट स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं यहाँ पे, और आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। मीन्स यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट अ स्टूडेंट रिक्वायर्स फॉर द टॉप नॉच preparation under one platform. You will get each and everything. Okay, तो ये एक हमारा अनअकैडमी का एक वर्कशॉप होने जा रहा है दिल्ली में। ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दैट इज कब ये कंडक्ट किया गया है? October 1st। क्या टाइमिंग है यहाँ पे? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। तो ये वेन्यू एंड ऑल आपको दिया गया है। तो यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आएंगे, आपको आपके रूबरू होंगे, आपके सामने रहेंगे अर्पित सर, कार्तिकेय सर, धीरज सर, यशमोहर सर, और यहाँ पे 2 सर और हैं, मेरी यहाँ पे पिक आ गई है तो उसके नीचे छुप गए हैं वो, विशाल सर एंड आपके सिद्धांत सर। ठीक है, सिद्धांत सर पहली बार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो आफ्टर हिज रिकवरी, ठीक है, फॉर्चुनेटली ही इज़ ऑन द रिकवरी स्टेज। ठीक है, एंड ही इज़ डूइंग बेटर नाउ। ओके, तो इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए जल्द से जल्द। ठीक है, पहुंच जाना वहाँ पे। और इसका ये जो लिंक है एनरोल करने का, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके तो ये सेलिब्रेटिंग योर लव फॉर लर्निंग। ओके, 20% अगेन 20% ऑफर ये है, चल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं आप। ठीक है, ये CDS, AFCAT, CAPF के लिए भी वैलिड है। ये कब तक है? 30 सितंबर तक। मीन्स ये कल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, मिलेगा टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज मिलेंगे आपको यहाँ पे। क्लासेस में डाउट सॉल्विंग सेशन भी चलेंगे, मतलब डाउट क्लियरिंग सेशंस, PYQs, लाइव टेस्ट्स एंड क्विज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट चल रहा है। अदरवाइज इफ़ यू यूज़ द कोड आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो अभी 20% मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए इस ऑफर को, जल्द से जल्द लीजिए सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड, विच कोड? SIDHANTLIVE। तो ये है आफ्टर, मीन्स इफ यू टेक दिस डिस्काउंट, मीन्स 20% अगर आप लेते हैं तो आप इतना सेव कर पाएंगे। ये अमाउंट है जो आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगेन ये CAPF के लिए भी सेम ही है, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड। ठीक है, आई हैव टोल्ड अर्लियर। तो अगेन ये इतना आप सेव कर पाएंगे फॉर CAPF। अगर आप CAPF का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इतना सेव कर पाएंगे। ठीक है, कि जैसे 24 मंथ्स का अभी आप क्या पे करोगे? करंट प्राइस क्या होता है? 16,000, एंड आपको क्या पे करना है? 12,800। तो मीन्स आपने 3,200 सेव किया। ठीक है, ये आपकी सेविंग है। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, एंड ये SIDHANTLIVE कोड यूज़ करने पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 30th of September, मीन्स कल तक। ठीक है, और ये अगेन आइकॉनिक के लिए है स्ट्रक्चर, वो भी उनके लिए भी सॉरी 20% ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। आइकॉनिक का लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए जो ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम आप अपना आज का फर्स्ट ईडियम रीड करते हैं। क्या है? पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, क्या मतलब है इसका? द सॉल्ट ऑफ अर्थ मीन्स बहुत ही ईमानदार, अ पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट हो जो, उसके लिए वी कैन यूज द सॉल्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, लाइक माई ब्रदर इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ही कैन नेवर बिट्रे एनीबडी। ठीक है, बहुत ही ईमानदार। तो मीन्स क्या आएगा? देखो ऑप्शंस में से क्या आएगा? वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ठीक है, तो बहुत ही ईमानदार होना मतलब द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, बहुत ही ईमानदार। नेक्स्ट देखते हैं फील ब्लू, ये बहुत बार आपने किया होगा और आई थिंक अगर आप बहुत लंबे समय से सिद्धांत के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने आई थिंक इसकी एक पोइट्री भी सुनाई होगी, ठीक है, ब्लू से रिलेटेड। फील ब्लू क्या होता है? उदास होना। फील ब्लू मतलब उदास होना, तो क्या आएगा? इन ट्रबल और डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है? उदासी, ठीक है। फील ब्लू मतलब उदासी या उदास होना। फाइन, आई होप सब कुछ समझ आएगा इस तरह से जैसे मैंने आपको इन हिंदी में आपको बता रही हूँ। तो हिंदी में जब आप इनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगे ये इडियम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब अपने टॉपिक से भटक जाना, अपने टॉपिक से भटक जाना। तो मतलब क्या आएगा? देखो, व्हाट कैन बी द आंसर? स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, वही हो गया ना, भटक जाना, अपने टॉपिक से भटक जाना, दैट इज फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट मतलब भटक जाना, अपने टॉपिक से भटक जाना। स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, जो मतलब कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसा डिस्कस करने लग जाना, ठीक है, दैट इज फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। नेक्स्ट इज गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब तरक्की, तरक्की पाना। तो देखो क्या आएगा? बहुत ईजी है ये तो, है ना, तरक्की मतलब टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल वही होता है ना, तरक्की। गोइंग प्लेसेस मतलब तरक्की पाना, तरक्की हासिल करना। नेक्स्ट इज गेट द सैक। गेट द सैक, गेट द सैक मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। तो देखो क्या आएगा? नौकरी से निकाल देना, वैकेंसी, गेट द सैक। डिसमिस्ड फ्रॉम, गेट द सैक मतलब निकाल देना, डिसमिस्ड फ्रॉम। नेक्स्ट इज ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब क्या होता है? समथिंग जो व्यर्थ है, नॉट यूजफुल मीन्स यूजलेस, समथिंग दैट इज ऑफ नो यूज, व्यर्थ दैट इज यूजलेस। ऑफ नो अवेल मीन्स यूजलेस, मीन्स जैसे कि द आइडियाज ही गेव वर ऑफ नो अवेल, कोई काम के नहीं आइडियाज उसने दिए, ठीक है, यूजलेस आइडियाज उसने दिए हमें, इस तरह से वी कैन यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट इज बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, ये तो बहुत यूज किया है। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? झगड़े का कारण। तो देखो क्या आएगा? बहुत ईजी है ना, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। नेक्स्ट इज टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे मीन्स हम कहते हैं ना कि आज बहुत काम कर लिया, अभी मैं काम से संन्यास लेता हूँ, आज के दिन के काम से मैं संन्यास लेता हूँ। तो संन्यास लेना, कॉल इट अ डे मतलब टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बंद कर देना, दैट इज टू कॉल इट अ डे, कि उस आज के लिए, एक दिन के लिए बंद कर देना, मीन्स आज मैंने इतना काम कर लिया, बस अभी और नहीं करना, ये कल करेंगे, ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है। नेक्स्ट इज पुल समवन अप ऑन समथिंग। पुल समवन अप ऑन समथिंग, पुल समवन अप ऑन समथिंग मीन्स किसी की आलोचना करना या किसी को डांटना। आलोचना करना या डांटना, या फिर वी कैन से टू रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब डांटना ही होता है ना, डांटना, तो मतलब आलोचना करना किसी की। आलोचना मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज। पुल समवन अप ऑन समथिंग मीन्स टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज। नेक्स्ट इज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मतलब सीधा स्पष्ट, सीधा स्पष्ट, पॉइंट ब्लैंक मीन्स वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, वही ना स्पष्ट, किसी को स्पष्ट कुछ बोल देना या कह देना, दैट इज पॉइंट ब्लैंक, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट इज पॉइंट ब्लैंक। तो आज हमने 10 इडियम्स किए हैं, आई होप सबको समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर कर देना वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और इन इडियम्स को अच्छे से याद करना। आई होप सबको अच्छे से याद रहेंगे बिकॉज मैंने सबका हिंदी अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। तो इनको अपनी रेगुलर, अपनी डेली रूटीन में, अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज ऑल फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।